हेलो गाइस, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार से संबंधित बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। पहले ये समझना है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या अंतर है। तो जब सरकार का बजट पेश होता है तो उस बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री पेश करते हैं और उस सर्वे में विकास से संबंधित चीज़ें शामिल किया जाता है। इसमें जो याद रखने लायक बात होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे और बिहार के बारे में बात करते हैं। ये सर्वे पिछले साल का पेश किया जाता है और बजट आने वाले साल का पेश किया जाता है। देख रहे हैं ना, 2020-21। जबकि मैं बजट जो पेश करूँगा बिहार का के बारे में बताएंगे, बिहार का जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसकी चर्चा करेंगे, वो 21 और 22 के लिए चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद हैं। ये आपके लिए जनरल नॉलेज है, जो कि एक उप मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक रेणु देवी हैं और दूसरा तारकिशोर प्रसाद है। मुख्यमंत्री का नाम सबको पता है। देखिए, 19 फरवरी को ये डेट पूछता है और ये 15वां आर्थिक सर्वेक्षण था जिसमें स्थिर मूल्य पर राज्य की आर्थिक विकास दर पर नहीं दर होगा 10.5%। ये आपके लिए फॉर द बीपीएससी बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए जरूरी पॉइंट्स हैं कि स्थिर मूल्य पर 10.5% विकास दर और वर्तमान मूल्य पर 15.4% रहा है। यह वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में अधिक है। पर नहीं होना चाहिए, दर होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय विकास की वृद्धि दर मैं आपको डिटेल्स में जब बताऊंगा, जब अगले बजट, जब भारत सरकार का बजट पेश होगा के बारे में, या उनका जो पेश हुआ उस क्लास में, तो गौर करेंगे। इस रिपोर्ट में सर्वेक्षण तुम्हारे एक प्रभारी मंत्री शाहनवाज हुसैन भी हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड मिनिस्टर। याद आपको ये रखना है, 15वें आर्थिक सर्वेक्षण में टोटल अध्याय कितने हैं? 13 हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में कोरोना महामारी के असर और उसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। नो डाउट भाई, हम वी कैन नॉट अंडरलुक द बैड इफेक्ट ऑफ कोविड पैंडेमिक। उस पर कितने 13 अध्याय, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, 19-20 में वर्तमान मूल्य पर GDP जो हमारे देश स्टेट का था, 19-20 में बिहार का ग्रॉस स्टेट जीडीपी जो था वो 611,804। चलिए, इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है जब आप मेंस में लिखेंगे तब। और 11-12 के स्थिर मूल्य पर ये
4,14,977 करोड़ रुपया रहा। वर्ष 18-19 में जब जाएंगे तो आर्थिक विकास दर 15.1% दर्ज किया गया, 19-20 में बढ़कर 15.4% हुआ, यानी विकास दर 18-19 की तुलना में 19-20 में ज़्यादा देखा गया, दर्ज किया गया हमारे यहाँ। चलिए ये डाटा है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। 19-20 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, समझ रहे होंगे पर कैपिटा इनकम क्या है, नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, अगले बार हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे जब हम लोग नेशनल इनकम के चैप्टर को फॉलो करेंगे तब। लेकिन एक मोटा मोटी जान लेते हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया हुआ है, यानी इतनी की बढ़ोतरी हुई है 19-20 में, 3,094 रुपया बढ़ा और अभी प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपये हो गए। ये प्रति व्यक्ति आय होता क्या भैया, तुम्हारे देश में जितना भी उत्पादन होता है और पॉपुलेशन में भाग दे देने पर जो बनता है, मान लो एक एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि 5 लोग हम लोग हैं, राहुल, रवि, मोहन, सोहन, आनंद, 5 लोग हम लोग हैं। मान लेते हैं राहुल की कमाई 10 लाख है, मोहन की कमाई 1 लाख है, आनंद की कमाई 6 लाख है, इस तरह से पांचों की कमाई टोटल मिलाकर के 30 लाख हो गया। लेकिन 30 लाख इनकम टोटल मिला करके है, लेकिन ऐसे रियल में इनकम में डिफरेंसेस है हर लोग का, लेकिन जब हम उसको एवरेज निकालेंगे प्रति व्यक्ति तो हर हेड पे जाएगा 6 लाख, यानी 6×5=30। इसी को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। एकदम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, आपको डाउट नहीं होने चाहिए, आप ज़रूर पढ़ोगे एवरेज मैथमेटिक्स में। तो अभी हमारे देश में 50,735, हाँ रियल में हो सकता है किसी की इनकम 20,000 हो, किसी की इनकम 3,000 हो, किसी की इनकम ना हो, पर एवरेज और किसी की इनकम 20 लाख हो, किसी की इनकम 25 लाख हो, किसी की इनकम 5 लाख हो, लेकिन एवरेज इनकम 50,735 रुपया हो गया है हमारे देश में, सॉरी हमारे राज्य में बिहार में। 18-19 में प्रति व्यक्ति आय इतना थे, 47,000 के लगभग थे, 6,041 रुपये थे, ठीक है। 19-20 में जबकि 18-19 में यानी प्रति व्यक्ति वही स्थिर मूल्य पर वर्ष 19-20 में 34,413 रुपये, और ये तो आपके लिए ये जो डेटा है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। और ये डेटा प्रति व्यक्ति आय में के मामले में राज्य में पटना जिला शीर्ष पर है, जबकि शिवहर जिला का स्थान सबसे नीचे है। देखिए शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, पटना जिला सबसे बड़ा है बिहार का, राजधानी है, यहाँ हेडक्वार्टर्स हैं हर चीज़ का, निश्चित रूप से यहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना चाहिए। अब गौर करेंगे, अब है 15वीं सर्वेक्षण में इस प्रकार 11-12 के मूल्य पर जिलावार, यानी हमारे देश में जो बेस ईयर है वो क्या है, 11-12 है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के वर्ष में 17-18 के आंकड़े दिए गए। 13-14 में पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय कितना थी, 13-14 में 9,407 रुपया, एवं ये डेटा देखना पड़ेगा, नहीं नहीं 91,407 थी, एवं शिवहर की प्रति व्यक्ति आय
15,609 यानी बिहार में जो दो जिले हैं शिवहर और पटना, यानी शिवहर की तुलना में पटना की पर कैपिटा इनकम लगभग 5-6 गुना ज़्यादा, लगभग 6 गुना ज़्यादा हमारे पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय है। चलिए, यहाँ नौकरियाँ ज़्यादा हैं, रोजगार ज़्यादा हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पटना, बेगूसराय, मुंगेर सर्वाधिक उन्नतशील जिले। ये आप अपना स्टडी कीजिए, चूँकि बिहार से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये सारे पॉइंट्स बजट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को, छोटे बड़े पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब 17-18 में देखिए, पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय 112,604 रुपये, यानी बहुत बड़ी, 13-14 और 17-18 में। और बेगूसराय जिला की 45,000, मुंगेर जिला 37,000, यानी जो दूसरे नंबर के डिस्ट्रिक्ट हैं बेगूसराय, उनकी भी इनकम पटना जिले से के लोगों से लगभग आधा से भी कम है। अब सबसे निचले स्थान पर मैंने पहले भी बताया है, शिवहर है, ठीक है। तो कुछ मेरे पास आंकड़े हैं जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और चौंकाने वाले भी हैं। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय अभी इतना रही है। भारत के 5 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लें। ये 5 राज्य लगभग हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं, बंगाल इलाका है। फिर देखिएगा, हरियाणा में 180,000 पर कैपिटा इनकम है हरियाणा स्टेट का। बिहार का कितना पर कैपिटा इनकम है? लगभग, थोड़ा बैक करिए, देखिए बिहार का, मैंने पटना के बारे में नहीं बात कर रखा अभी, बिहार से रिलेटेड। बिहार का थोड़ा बैक करो भाई, बिहार का पर कैपिटा इनकम, ये पॉइंट याद रखिएगा, 50,735। अब देखो, गौर करो कितना हम पीछे हैं आर्थिक रूप से। तो हरियाणा लगभग 4 गुना लगभग हमसे बड़ा है। पंजाब की पर कैपिटा इनकम भी लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है, 1,20,569। छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। बंगाल की पर कैपिटा इनकम बिहार से अधिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी की पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा कम है उससे, 45,000। ये सारे आंकड़े आपके उपलब्ध हैं फॉर योर कंपैरेटिव स्टडी के लिए, आप इसको देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं। सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित क्षेत्रों का योगदान, जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो इतना परसेंट है, कृषि तथा सावर्ती क्षेत्र का। अब कृषि से रिलेटेड गौपालन, माइंस, जंगल, इन सब से मुर्गी पालन 18.7% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अन्य सेवा 13.8%। उसके बाद उद्यमिता के क्षेत्र में 11.7% है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये सब सारे आंकड़े आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आधारभूत संरचना में जब बढ़ेंगे हम, इंफ्रा में, तो 10%, उसमें संचार क्षेत्र भी है, कम्युनिकेशन भी है,
मिल्क प्रोडक्शन में 6.07%, पशुधन में 0.6%, पथ परिवहन 5.9%, यानी बिहार के जीडीपी में इन सेक्टर का रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। यानी ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना होगा। आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो 67वीं ये बीपीएससी का पीटी होगा या फिर मेंस में 66वीं के, अब देखेंगे बिजली के उपलब्धता में सात वर्षों में। हाँ भाई, अगर आप बिहार में रह रहे हो आप सभी, तो आपको जरूर ये फील हो रहा होगा कि हमारे बिहार में बिजली के क्षेत्र में बहुत, और खासकर के बिजली और सड़क के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम हुआ है। यानी हमने 10-20-50% नहीं, टोटल 226% वृद्धि दर्ज की है। यानी आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार में हर घर में बिजली मुहैया करा दिया गया है, और वो भी पूरी क्वालिटी के साथ। वर्ष 12-13 में राज्य में मात्र इतना मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती थी, जो कि यानी 12-13 का आंकड़ा लें और यहाँ का आंकड़ा लें तो कितना हो गया, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, और उससे भी ज़्यादा 58, ठीक बोला, 226% की वृद्धि हुई। इतना मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हमारे राज्य में होने लगा, उपलब्धता होने लगा, प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। हमारे पास एक और इस बजट में आंकड़े हैं, 12-13 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता मात्र 1.45 किलोवाट थी। माने एक व्यक्ति 145 किलोवाट का कंजम्पशन करता था, आवर थी, जो बढ़ करके अब कितना हो गया, लगभग ये भी दुगुना से कुछ ज़्यादा, 2.5 गुना के लगभग हो गया। यानी प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता में, सॉरी दुगुना नहीं कहेंगे, लगभग इसमें 100 हाँ दुगुना से ज़्यादा बढ़ा, यानी 129% की बढ़ोतरी हुई। क्लियर है, परसेंट की बढ़ोतरी हुई इतना। अब देखेंगे कुछ और आंकड़े हमारे, ये आंकड़े आपके मेंस में बेहद काम करेंगे, इन आंकड़ों को ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा 19-20 के में 6073 मेगावाट बिजली,